Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie Sharma's vlog. आज के व्लॉग में होगा क्यू एन ए. ऐसा नानू कह रही है, पता नहीं क्यों कह रही है ऐसा. क्यू और एन ए करेंगे. अरे भैया क्यू एन ए, क्यू एन ए क्यों करोगे तुम? एन ए करेंगे मतलब नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल. लेकिन तो किचन में पोछे वाइपर क्यों मार रही है लड़की? आज मैंने यहाँ पे हिमालय बनाया. हाय नानू. गाइस जैसे मैंने बोला है कि हमारे घर में बर्फ गिरती है, देखो गिरी है, दिखा दे. हमारे घर में बर्फ गिरती है गाइस, ये देखो स्नोफॉल होती है हमारे घर में. देखो जैसा मैंने बोला कि हमारे घर में स्नोफॉल होती है कभी ना कभी, और इसीलिए नानू को बहुत ठंड लगती है. तो ये स्नोफॉल फ्रिज में से आई है इतनी सारी. ये फ्रिज की स्नोफॉल हो रही है. डोलू को देखो, हनी को चाहिए, हनी चाहिए डोलू को. डोलू गुड मॉर्निंग, हाय करो गाइस को, पुंछड़ी हिलाओ. गुड बॉय. पुंछड़ी हिलाता तो मतलब आपको हाय कर रहा है. वो गुड बॉय है क्योंकि वो सारी बातें समझता है मम्मा की. गाइस आते ही हम लग गए हैं घर के काम में. बस अभी भी पहुंचे हैं और थोड़ा सा सफाई कर लें, फिर खाना बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे. और ये पता नहीं क्या पिछले से चिल्ला रही है, चिल्लाने दो इसको. और बस फिर काम करेंगे और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे. चलो भाई स्टार्ट करते अपने घर की सफाई. इसको पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए इसको, इसको क्या चाहिए, इसकी पढ़ाई कर दे, इसकी पढ़ाई कर दे इसकी. हमारी लड़की आज थोड़ा डाउन थी, बट उस डाउन के बाद भी हमारी लड़की ने बनाया है यम यम यमी पिज्जा, और करके लंच की तैयारी भी हो चुकी है. और ये सब चीज़ें हमने थोड़ी जल्दी कर ली क्योंकि शी इज़ नॉट वेल, नॉट वेल. वो कुआं नहीं है, वो एक समुद्र है. आज के डिनर में है हमारे लिए स्पेशली फिर से बनाया हुआ वेजिटेबल एक्स्ट्रा चीज वेजी पिज्जा बाय ईवी शर्मा. और ये पीछे टावल क्यों टंगा है वापस से? तुमने कहा था टावल पीछे नहीं टांगना, तो साइड में टांग दो. ओके गाइस, तो मेड बाय ईवी शर्मा. ये वही ईवी शर्मा है जिसकी तबीयत आज थोड़ी डाउन है, बट स्टिल आपको ये तुबड़ुक तुबड़ुक करते हुए दिख रही होगी. ओके गाइस, तो बैठते हैं, मिलते हैं. लगाम पकड़नी पड़ेगी इस औरत की. बात यह है कि मेरा भी ठीक तो नहीं है. नहीं है, बड़ा ऐसी चीज़ देख के थोड़ी नॉर्मल हो जाती है लड़की. कैमरा ऑन तो ईवी ऑन. हाँ मैं ये कह रही थी गाइस, क्या मैं अपना ईवी किचन खोल लूँ क्या? ईवी किचन जो पहला भी खोले थे हमने. बेस्ट, खोल लें, गो फॉर इट. हाँ खुशबू तो बढ़िया अच्छा आ रही. खुशबू मेरी चटनी अच्छी है. हाँ बहुत ज्यादा लग रही है. गाइस वेट, तो गाइस ये लड़की को थोड़ा बिठा लेते हैं और अब हम मिलते हैं. थोड़ी गपशप पटाई वटाई भी कर दो थोड़ी सी. पिज्जा भी तुम्हें देख के चलने लग गया जाने मन. बिल्कुल तुम्हें तो नहीं टैक्सी जो लगते हैं. देखो ये कुछ ना कुछ दूसरा. ओ ये ला रहा था आशु को नया टॉय चाहिए इसको. इसमें आज दो टॉय निकाल के बाहर फेंक दिए, कह रहा उनसे नहीं प्ले करूंगा. नया टॉय लाया निकाल के नीचे से एकदम. हैं नए टॉय से प्ले करनी थी आशु को. ये कौन सी डक्कू है? एक पिंक वाली डक्कू आशु को पसंद है बहुत. गाइस खाना खा चुके हैं हम, अब आशु का प्ले टाइम हो रहा है. यहाँ पे आशु का प्ले टाइम हो रहा है. ये आशु का प्ले टाइम हो रहा है. आई आशु लग गई मम्मा को लग गई. Thank you.
मैं थक गया बेटे, भूल जा। तो गाइस कैसा लग रहा है हमारा न्यू सेटअप, और आज होने वाली ये न्यू सेटअप पे हमारी फर्स्ट वीडियो आपके लिए, वो भी आपके ही क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं हम हमारे चैनल पे आज। और वो क्वेश्चन जो आपने हमसे पूछे हमारे यूट्यूब पे और मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जहाँ मैंने पूछा था कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फॉर आवर यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। प्लस मैंने आज एक रील डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि, मतलब कैप्शन में लिखा था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, तो नीचे नीचे जो आए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम वही वाले क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो यूट्यूब पे आए हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद आवर पुश्तानी कंगन। पुश्तानी कंगन, आप बताइए। ओके यार, बात ये होती है ना कि हम बोलते हैं आस्क मी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ साथ आते हैं कमेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वो कमेंट्स भी जिसका आंसर नहीं है। तो गाइस नाम पढ़ेंगे आज हम आप लोगों के, नाम के साथ है। हाँ ओके, तो सबसे पहले है रमनदीप। रमनदीप ने हमें हार्ट हार्ट दिए हैं, दिल दिल। फिर पुष्पा, पुष्पा ने आप दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगता है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ओके तुम पढ़ो। पुष्पा, पुष्पा, ईवी की शादी के बाद आप कम मिलते थे, अच्छा नहीं लगता था। गाइस एक बात बता देते हैं, ईवी की शादी के बाद हम मिलते थे लेकिन हम व्लॉग नहीं बनाते थे। देन अनमोल धानकर, उन्होंने तीन दिल 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 दिल। देन लकी लकी, दिल 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 दिल, चार दिल, दो तीन चार दिल हो गए ऐसे। देन फिर किसी का क्वेश्चन है, वेयर इज योर हस्बैंड। तो ये एक छोटा सा मैं आपको आंसर बता दूं कि हम दोनों साथ नहीं रह रहे, तो वो अलग अपने घर, मैं अपने घर रहती हूँ। सविता कुमारी, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यस ऑफ कोर्स आई बिलीव इन डेस्टिनी। ओके अगेन द सेम क्वेश्चन, वेयर इज योर हस्बैंड, तो वो आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट इज आयुषी खातियान, हे नानू ईवी, बोथ ऑफ यू आर रियली प्योर सोल्स and I don't want to ask why you leave your husband because I feel like that he didn't deserve you. You did everything, you leave everything for him but he didn't respect anything. So my question is how Nanu handled this news and also you in this phase. Yeah, to tagda question ho gaya bhai. Okay, nice one. Nice question by the way. So Nanu ne kaise handle kiya ye to Nanu hi bata payegi. और हाउ नानू हैंडल दिस न्यूज एंड आल्सो यू इन दिस फेज। मेरा ये फेज उसने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो उसको आई गेस हैंडल करने में इस बार उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हुई होगी जितना उसको फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे मेरे एक गंदे सिचुएशन में से निकाला था तब हुई थी। और उस टाइम से अब तक की जो ऋचा शर्मा, उस टाइम की ऋचा शर्मा और अब की जो ए बी शर्मा में उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से अभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं उतने लेवल के डिप्रेशन में नहीं गई जितना मैं लास्ट टाइम गई थी। तो ये इसने इतना अच्छे तरीके से मुझे उतने टाइम से हैंडल किया हुआ है, तो आई गेस इतना अब इस टाइम पे तक इतना ज्यादा हैंडल करने में उतने एफर्ट्स नहीं गए। क्वेश्चन कुछ और है क्या, हाउ नानू हैंडल द न्यूज ऑफ योर मैरिज? ऑफ मैरिज तो वो तो नानू ही बता पाएगी। एंड Also, you in that phase. In this phase. In this phase. वो उसी question का है ये। तो तुम भी answer कर दो फिर इसका। तुम्हारा phase मैं कैसे बताऊँ? तुम्हारा phase तो तूने handle करा ना, तू बताएगी। Also you है ना? Also you तो EV है। Also you in this phase. मुझे phase में अभी question समझ लो भैया, question जो मुझे समझ आया मैंने उस हिसाब से answer कर दिया। Nanu handle that news. Actually मेरे लिए थोड़ी वो epic news थी क्योंकि मुझे भी अचानक से ये पता चला था, तो कुछ ऐसा फेज होता है ना जिसको आप एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, तो आई कैन से द सेम, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब दूसरा, आल्सो यू इन दिस, आल्सो यू तुम हो। अरे ये मैं थोड़ी ना आंसर करूंगी, आल्सो यू इन दिस फेज।
दिस फेज ऐसा जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि जिस टाइम से इसको हैंडल करते आ रहे हैं तो उस टाइम के हिसाब से ये फेज तो मेरे लिए थोड़ा एक्चुअली नॉर्मल था। ये उस लेवल का फेज नहीं था कि मुझे बहुत सारी चीजों को देखना था, सोचना था, बिकॉज उस टाइम की ईवी, उस टाइम के रिचा, इस टाइम की ईवी शर्मा, इट्स टोटली टू डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो इस टाइम की ईवी शर्मा इज अ बिट मैच्योर एंड उसे पता है अपनी चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे लिए ये फेज थोड़ा उतना हेक्टिक नहीं था। दैट्स इट। तनु राणा, आपके हस्बैंड कहाँ है? गायब ही हो गए। आंसर ऑलरेडी दे दिया हमने। बॉबी रॉक, नाइस। सो गाइस, यहाँ पे खत्म होते हैं इस यूट्यूब के शॉर्ट्स के कमेंट्स, शॉर्ट्स के कमेंट्स। एंड अब आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के कुछ क्वेश्चंस पे। तो कुछ ही क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बाय द वे। बहुत ज्यादा परफ्यूम कलेक्शन नहीं है मेरे पास, हार्डली तीन चार ही होंगे जो अच्छे ब्रांड्स के हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा सच बहुत वो जैसे कैसे होते नॉर्मल छोटे ब्रांड्स वाले नहीं है। हाँ। ना, तो सारे जो भी हैं वो अच्छे वाले ब्रांड्स वाले हैं, तो वो मेरे पास दो या तीन ही हैं। तो बट स्टिल अगर आपने बोला है और शायद उस टाइम जब तक मैं ये व्लॉग बनाऊंगी शायद तब तक एक दो और आ जाए तो मैं डेफिनेटली बना दूंगी। मुस्कान चौधरी, अपनी मैरिज वाली दुर्घटना के बारे में कब बताओगे? आई लाइक दिस लाइन। तो मुस्कान, मेरी जो मैरिज लाइफ की दुर्घटना हुई थी वो डीप कॉन्वर्सेशन किसी बाद में बताएंगे, बट उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि, और किसी ने शिपाली ने ये भी पूछा कि करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो वो ये सब एक साथ बता देती हूँ कि अभी स्टेटस आई एम वेरी मच सिंगल, वेरी मच सिंगल। और शादी हुई थी, चीजें वर्कआउट नहीं हुई, अलग हो गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं। जो चीज ऐसा होता ना कि अगर ठीक ना चल रहा हो तो अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए, तो नहीं वर्क किया, अलग हो गए। अब उस चीज को अलग प्रॉपरली एक लीगल तरीके से अलग होने के लिए टाइम लगेगा, तो जब वो हो जाएगा उस टाइम के बाद मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, तो अभी मैं सारी चीजें नहीं बता सकती यहाँ पे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाय ईवी, फर्स्टली आई एम सॉरी मैंने आपको हर्ट करा था शादी के टाइम, आपके हो सका तो प्लीज माफ करना, गॉड ब्लेस यू नूवी। हो सकता है इन्होंने, ये उनमें से होंगे जिन्होंने एक्चुअली बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए थे। एक फेज था शादी के टाइम का जिसमें एक्चुअली इस पेज में इतने लेवल के नेगेटिव कमेंट्स थे, बिकॉज ऑफ मी बोल लो, बिकॉज ऑफ हर बोल लो, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बोल लो, तो यस बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी, बट दैट वाज अ पास्ट, सो हम उस चीज को पास्ट में भूल चुके हैं। मेरे को सिर्फ इतना लगता है कि आपको जब वो स्टोरी नहीं बताए तो आप चाहे गलत बोलो या सही बोलो तो आपके कमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने उतने जितना हमें देखा उस बेसिस पे आपने कमेंट कर दिया, बिकॉज बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, बिहाइंड द स्टोरी क्या है आपको नहीं पता है, तो इट्स ओके गाइस, हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि आपको आपने उस तरीके से रिप्लाई या कमेंट किए हैं जितना आप हमें जानते हैं, तो इट्स ओके। नेक्स्ट इज लकी, ईवी नानू लव यू, ईवी जी आप नानू को छोड़ के कहीं मत जाना। ओके, लव यू टू। नेक्स्ट इज मानसी गुरन, आप हरियाणा कब आओगे? हरियाणा तो पता नहीं कब आएंगे भाई, हम वैसे प्लान कर रहे थे कि करनाल आना हो मधु के पास, बट शायद वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। एस आर के श्री, लव यू बोथ फ्रॉम बीबीएसआर। वो क्या है बीबीएसआर? प्रियंका चोपड़ा मैम, यू आर माई सेकेंड फेवरेट वन। ओ बॉय साहब, चेयर टूट जाएगी अब तो। थैंक यू प्रियंका दीदी, हमारे तो प्रियंका दीदी है वो। प्रियंका दीदी से कंपेरिजन नहीं होता, वही बड़ी बात होगी मेरे लिए तो। SM Goswami, enjoy your life. Thank you. You too. RV4800. आपको और नानू को साथ देकर अच्छा लगा मुझे, so cute, नजर ना लगे तो miss you dear friend. दिल दिल दिल।
We miss you too. We miss your comments. So guys, जो कमेंट यहाँ भी कर रहे हो हमारे YouTube पे भी जाकर कमेंट कर दे करो, ठीक है? नोबिता 17 दी, आप अपना और नानू भाई का चाइल्डहुड का फोटोज दिखाओ एंड आप दोनों ऐसे ही हैप्पी रहो। So guys, हमारे चाइल्डहुड का फोटो यहाँ पे मिल जाएंगे, आप मेरा इधर नानू का उधर, ठीक है? मेरे पास है तेरा, मैं लगा दूंगी। गाइस नानू की छोटी वाली जब ये छोटी छोटी फ्रॉक पहनती थी ना, वो नहीं लगेगी, फ्रॉक पहनती थी क्या बोला के वाली फोटो है इतना, अगर वो लग गई तो इसके गोलगप्पे से गाइस देखो चाइल्डहुड बोलो मिल सी। अच्छा ऐसे गाल है इसकी, इसने कैप लगा रखी है, इसने फ्रॉक पहन रखी है, इसकी छोटी है, मैं वो लगा दूंगी जिसमें मैंने कैप पहनी उसमें छोटी नहीं, और मैं फ्रॉक पहनी वहां तक मेरे बाल इतने इतने दिख दिख रहे। हां तो वही वाली थी जिसने बाल छोटे तेरे। मुस्कान परमार, V6 के बीच कुछ हुआ है क्या? क्योंकि आपने कीर्ति दी को फॉलो नहीं कर रखा है और उन्होंने भी नहीं। होप सब ठीक है गाइस, V6 के बीच में सब ठीक है, बस थोड़ा सा बात होना कम हो गई है पहले से, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं। बिजी मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वैसे सब हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी अपने और अनफॉलो इसलिए किया हुआ है क्योंकि कीर्ति का जो अकाउंट है मेन अकाउंट वो उसके पास पासवर्ड नहीं है, हो गया। वो अब इनएक्टिव है, उसको पता नहीं है कि उस अकाउंट का क्या करे क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा है। तो समहाउ वो उसी टाइम पे कुछ हम जब कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है, तो करते करते ऐसा हुआ कि हम दोनों ने अनफॉलो तो किया एक दूसरे को, और ये मैंने फॉलो भी कर रखा था, फिर बाद में अनफॉलो किया क्योंकि अब वो एक्टिव ही नहीं है, उसने नया अकाउंट बनाया दूसरा, देख लेना। ओके नेक्स्ट प्लानिंग टू टेक मी आउट ऑफ इंडिया, ये इसी का है, इसी का, इसी ने पूछा है कि कब, क्वेश्चन करो ढंग से, सुना भी नहीं दिया। ओके किसी ने लिखा है गाइस, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक मी आउट ऑफ इंडिया, एंड वो किसी कौन है, वो सुनैना डॉट नानू ने मेरे को कमेंट यहाँ पे मैसेज किया, क्वेश्चन बोलता हूँ है, और वो क्वेश्चन का आंसर ये था कि दिसंबर में वी वर प्लानिंग फॉर समथिंग, बट समहाउ अभी वो टिकट हमने जब चेक किए वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो लेट्स सी, हम प्लान तो जल्दी का ही सोच रहे थे कि जल्दी से प्लान करें, क्योंकि हमें चीज और भी, सिर्फ घूमने घूमने के मकसद से नहीं जाते, कुछ चीजें भी करनी थी, तो वो हमें जल्दी ही प्लान करना, और वो भी जल्दी ही हो जाएगा उन्होंने मेरे बेटा। नेक्स्ट अनामिका पांड्या, हेलो रिचल, लव टू बोथ ऑफ यू, आई वॉन्ट टू नो योर हेयर केयर रूटीन। सच में खुशबू आ रही है, हट। सो अनामिका पांड्या, मैं अपने हेयर केयर का ना एक काम करूंगी, शॉर्ट बना लूंगी एक, तो आप वहां देख लेना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसा हेयर केयर बहुत ऐसे टिपिकल नहीं करती, लेकिन जितना भी करती हूँ आपको मेरा उसमें दिख जाएगा शॉर्ट्स में, और वो क्लियर हो जाएगी, मैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, जल्दी बनाऊंगी, मे बी इस वीक, इस सैटरडे संडे तक आ जाएगा, डोंट वरी। आपने अपनी शादी ब्रेक कर ली है, डाइवोर्स ले लिया, इट्स पर्सनल, बट मुझे जानना है ऐसा क्यों हुआ है, जानवी लाजो ने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है पहली बात, दूसरा हम अलग हो गए वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन है छोटी छोटी चीजें, वो मैं आपको बाद में जब एक्सप्लेन करूंगी कहानी अपनी तभी बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी। और इसका मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, जिसकी भी ये लाइन है अभी तक बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, कब बताएगी, इसका आंसर ऑलरेडी इसी ब्लॉग में दे दिया गया है कि जब एक्चुअल में चीजें पूरी लीगल तरीके से हो जाएंगी, मे बी यू विल गेट द आंसर आफ्टर दैट। सो नेक्स्ट इज यासु जी, यू रिमूव्ड योर शादी वाले पिक्स, क्वेश्चन मार्क। हाँ मैंने अपने इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से दोनों से ही हटा दिए, क्योंकि जब शादी ही वर्क नहीं करी तो मैं फोटोज रख के क्या करूं। प्रण्या, आपकी शादी का क्या हुआ, ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं गाइस इस चीज का, तो नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अभी बहुत लोगों का ऐसा रहेगा कि अभी तो शादी हुई थी, अभी अचानक से क्या हो गया और ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया क्यों हो गया, उसके आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, मतलब बाद में जब चीजें मेरे को बतानी होंगी अच्छे से तब। बट फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप इतना अंडरस्टैंड कर लो मुझे कि अगर चीजें वर्क नहीं करी है, एक रीजन रहा होगा उसके पीछे, मैं अपने आप को और उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहती थी जहां मैं पागल हो जाऊं कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, फिर मैं कुछ और अपने आप के साथ गलत कर दूं। उस चीज से बचने के लिए आई थॉट कि मुझे उस इंसान से अलग होना ही बेटर लगा, तो इसलिए हम अलग हो गए, दैट्स इट। कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने मार कटाई कर दी और अलग होने के लिए, बहुत नॉर्मल तरीके से हम अलग हो गए और नॉर्मल तरीके से अब आगे जो भी होना होगा वो हो जाएगा, दैट्स इट।
तो गाइस ये थे आज के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर जो बहुत टाइम से नहीं हुए थे। क्यों इन्हें देखा जाए तो मेरे ख्याल से हम दोनों साथ में बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं आपके साथ। इसने बीच में एक जरूर किया था कुछ महीने पहले, बट मेरी साइड से देखा जाए तो हम दोनों साथ में बैठ के बहुत बहुत टाइम के बाद हो रहा है। और बात तो ये कि हमारे नए सेटअप के साथ हो रहा है गाइस, नया बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आपने वैसे इसकी तारीफ कर दी। नया घर, नया घर का तो टूर मैं दूंगी आपको तब जब मेरे हिसाब से पूरा सेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक और ऐसी एक चीज बताऊं, अभी आज ही हमारे किसी प्रमोशन वाले से बात हुई थी, वो बोल रहे थे वॉल पेपर लगा देते हैं आपके रूम में, पर हमने सोचा कि कहां ही लगवाएं, उनके साइड से कि आप एक की जगह पे दो वॉल पे पूरा लगा सकते हो, और वो 3D 5D वॉल पेपर है, और वो ऐसा इतना अच्छे लग रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने जब फोटोज देखी तो एक बार के लिए मन किया, बट आई वाज लाइक नहीं यार नहीं। फिर मैंने इसको बोला ना Yours is the final decision, not to worry. फिर हमने मैं सोचा कि ठीक है, कभी इन फ्यूचर जब हमारा खुद का अपना घर होगा तब हम करेंगे। और गाइस एक और सबसे बड़ी बात, यस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, मुझे जो इसकी बात से ज्यादा भी नहीं। आप ही लोगों ने हमें इतनी खुशखबरी दी, मतलब खुशी दे दी है खुशी। तो अब में से ही किसी ने, नाम क्या है, आप में से किसी ने, आई गेस हर्षदा है वो उनका नाम है, उन्होंने आज हमें HKHO हर्षदा खुकराले, तो उन्होंने आज हमें सुपर थैंक्स भेजा हमारे यूट्यूब के पे, यूट्यूब पे भेजा था। यस एंड विच वॉज आवर फर्स्ट सुपर थैंक्स। आज तक हमें कोई भी सुपर थैंक्स नहीं मिला था, और ये हमारा पहला सुपर थैंक्स है। अमाउंट इज जस्ट अमाउंट, हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, बट एक्चुअली बट दिस इज लाइक एक छोटा सा वो था ना जेस्चर करने वाला इंसान। बिलीव करो पता क्या हुआ, मैं ऑफिस में थी एंड आई गॉट दिस नोटिफिकेशन दैट समवन हैव सेंड यू सुपर थैंक्स, एंड मैंने ऐसा ओपन किया, पहले मुझे समझ नहीं आया, पहले मैंने ओपन किया लाइक देयर इज अ अमाउंट, लाइक सॉरी, फिर मैंने वापस ओपन किया, मैंने पूरा चेक किया लाइक, फिर मैंने उसको स्क्रीन शॉट मार कर रिचा को भेजा, मैंने रिचा इट इज आवर फर्स्ट सुपर थैंक्स। और बात ये कि हमने आज तक कभी आपसे ही बोला नहीं है, हमने कभी मांगा नहीं है, और हमने कभी उम्मीद भी नहीं रखी उस चीज की, बट समहाउ किसी ने ऐसे ही अपने मन से दिया है, तो वी एक्सेप्ट इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली क्या ना, बर्थडे पर एक्सेप्ट हो ही जाता है, हम ना चाहते नहीं, वो खुशी मिलती है यार, मतलब कहीं ना कहीं हमने आपको 1% या फिर मोटिवेशन दिया होगा, या फिर आप हम आपको उतने अच्छे लग रहे होंगे, ट्राई करता था, गलती से टच भी हो गया होगा, बट फिर भी अगर ऐसा भी है तो इट्स ओके गाइस, मजा आ गया, ये हमें याद रहेगा हमेशा लाइफ टाइम की, हमारा फर्स्ट सुपर थैंक्स, हमारा फर्स्ट सुपर थैंक्स ये हर्षदा ने भेजा है। बैठी है कैमरे के सामने, अभी तक बहुत ही ज्यादा डाउन होकर बैठी थी, ऐसे मुंह बना के बैठी थी जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, इसके किसने प्रॉपर्टी छीन ली हो, और जो है नहीं, जो है नहीं वो वाली प्रॉपर्टी जो हमारी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली हो, और इसकी तबीयत भी एक्चुअली डाउन है हमारी लड़के की, और हमारी लड़के की जब तबीयत डाउन होती है तो पूरी तरीके से डाउन हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है कि पड़ जाती है, और पड़े पड़े भी इसके हाथ से फोन नहीं हटता, नहीं नहीं ये जो मेरे को सुनाती है ना कि भाई ये हमेशा फोन पे लगी, नहीं नहीं ये हमेशा मेरे को सुनाती है ना कि जो फोन पे लगी रहती है, ये कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फोन पे लगी रहती है, अपने स्क्रोल करती रहती है, ऑफिस के रिप्लाई देती रहती है, वो दिखता है इसको, बट अपने टाइम में इसके हाथ सर फट रहा था, सर भारी हो रहा था, बहुत सर दुख रहा था, मैंने बोला भाई जब फोन पर लगी हुई है वीडियो भी बनी जाएगी, बनवाई हो पूरा घर की डस्टिंग भी करी, जो भले झाड़ू उसने लगाई है पूरा घर समेटा मैंने आके, मतलब चद्दर वद्दर झाड़ू घर का बेड झाड़ा, अब बोलो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो गाइस
तो अब ये पंगा ले लिया, फिर मैं बोलूँगी तो ये बुरा मान जाएगी, आंख नहीं मारो तो ठीक है। वैसे मेरा सच में सर दर्द हो रहा है, पीरियड्स तो हो रहे हैं, सेकंड डे है ही। और भाई आज क्या हुआ, मेरे को इतना बैक पेन हुआ आज ऑफिस में, तो मादा जो हमारे एमडी का रूम है ना, मैं गई वहाँ पे, वहाँ सर तो थे नहीं, और उनके रूम में ना सोफा पड़ा हुआ है, और उनके रूम में फिर से बेस्ट पार्ट है कि कैमरा तो लगा नहीं हुआ, तो मैं गई उनके रूम में, मैंने कहा मैं सोने जा रही हूँ, फिर मैं 15-20 मिनट सो गई थी क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द होता बैठे बैठे, फिर मैं सो गई वहाँ पे क्योंकि मेरा हेडेक भी हो रहा था, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, और वही कम सर दर्द अभी तक भी हो रहा है मेरे को, यहाँ पे दर्द हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी सोएंगे आज, अपने टाइम से सोते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड। आपको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। Bye, good night, toodles, kijiji, say I love you, ding, ding, hi, bye, cut the one. Kijiji, say I love you.